हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए आज के एजुकेशन ब्लॉग के अंदर। और आज हम बात करने जा रहे हैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर के बारे में कि कैसे आप यहाँ से अपने ट्रांसक्रिप्ट को ले सकते हैं। आपका कोई भी पर्पज़ है, जैसे आप जो अपनी ट्रांसक्रिप्ट है आप इमिग्रेशन पर्पज़ के लिए ले रहे हैं, आपको कनाडा या यूएसए या ऑस्ट्रेलिया जहाँ भी आपके ट्रांसक्रिप्ट को भेजना है या किसी और कंट्री में अपने ट्रांसक्रिप्ट को भेजना है, या इसके अलावा कुछ लोग हायर स्टडी के लिए अप्लाई करते हैं उनको भी ट्रांसक्रिप्ट की ज़रूरत होती है, तो आप कैसे ट्रांसक्रिप्ट यूनिवर्सिटी से ले सकते हैं और यूनिवर्सिटी के थ्रू आप भेज सकते हैं, तो क्या क्या आपकी फ़ीस रहने वाली है, क्या क्या स्टेप आपको फॉलो करने हैं, हम उसी के बारे में आज चर्चा करने लगे हैं। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। जैसे कि आप YouTube पे जाएंगे, YouTube पे आपको क्लिक करेंगे, ठीक है, YouTube पे क्लिक करके आपको जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट चैनलों पे जाते हैं, सर्च करते हैं, ठीक है, तो आपने क्या करना है, ट्रैवलर बर्ड सर्च करना है, ठीक है, हमारे यहाँ पे बहुत सारी वीडियोज़ डली होंगी, ठीक है। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर सब्सक्राइब भी तो कर लें, स्वागत है आपका पंजाब क्योंकि यूनिवर्सिटी इसके चंडीगढ़ के ऊपर अंदर। हमने जैसा कि बहुत मैंने आपको बताया कि आज हम यूनिवर्सिटियों बात की ट्रांसक्रिप्ट से रिलेटेड वीडियोस डाली हुई हैं। अगर इसके अलावा भी आपको कुछ और हेल्प की चाहिए तो मेरा नंबर भी मैं आपको मेंशन कर दूंगा, तो वहाँ से जैसे मेरा नंबर है 8727838288। इसके अलावा भी अगर आपको कोई भी ट्रांसक्रिप्ट से लेते हैं या किसी और यूनिवर्सिटी से चाहिए तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं, या इसके अलावा भी आपको कुछ डिस्कस करना हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो लेट नहीं करते और स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्ट के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑनलाइन कोई भी आप पोर्टल है आपका, ठीक है, आपने पोर्टल से सर्च करना है www.tav.mponline.gov.in। तो जैसे ही आप पोर्टल को सर्च करोगे तो आपके सामने ये वाला पोर्टल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस वाला पोर्टल आने के बाद आपको क्या करना है, इस वाले पोर्टल पे जाने के बाद आपने देखा है यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन किसनेगा कि आपने क्या करना है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सर्विसेज ओपन हो जाएगी। तो देखिए दोस्तों हमने क्या करना, हम अप्लाई फॉर ट्रांसक्रिप्ट कर रहे हैं तो हमने क्या करना, यहाँ पे हमने क्लिक कर देना है। जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद उन्होंने आपको एक नोटिफिकेशन दिया है, जो स्टूडेंट्स हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो वो इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट जाके पढ़ सकते हैं। तो इन्होंने लिखा है, छात्र अपना नाम, पिता का नाम, माता का नाम मार्कशीट के अनुसार लिखे, अन्यथा फॉर्म रिजेक्ट होने पर छात्र के स्वयं की जिम्मेवारी होगी। इट मीन्स ये बोलना चाहते हैं, द स्टूडेंट का जो नेम है, ठीक है, उनके फादर का नेम या मदर का नेम है, वो एज पर अकॉर्डिंग टू देयर मार्कशीट होना चाहिए, जो उनको जो मार्कशीट उन्होंने यूनिवर्सिटी से रिसीव किए हैं, ओके, अदरवाइज द फॉर्म विल बी रिजेक्टेड एज पर द नोटिफिकेशन, जो इनकी नोटिफिकेशन है इसके अकॉर्डिंग ये बोलना चाह रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो उसमें आपने क्या करना है, ठीक है, ऑल फील्ड्स आर मैंडेटरी हैं और जो भी है, देखिए फिल आउट द फॉर्म सेपरेटली पर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट, मान लो कि इन्होंने बैचलर है मास्टर है तो पर डिग्री ट्रांसक्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही आपको अप्लाई करना है। प्लीज सेंड योर स्कैंड डॉक्यूमेंट एट ट्रांसक्रिप्ट DAAVB2020@gmail.com, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पे अपना जो हमारी मार्कशीट है तो उसको हमने क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे फिल कर लेना है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए आपका जो नेम है एज पर मार्कशीट, जो भी आपका नेम है मैं ट्रायल के लिए लिख देता हूँ, ये एक जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, और हिंदी में अब हमें यहाँ पे हिंदी में भी लिखना पड़ेगा तो मैंने इसीलिए यहाँ पे ट्रांसलेट किया हुआ था, ठीक है, तो हिंदी में ये हो गया DAV देव, तो आप ऐसे ही हिंदी में ट्रांसलेट कर लेना, फादर का नाम आप यहाँ पे जैसे भरते हैं, अपने मदर का नाम भर देना, अपने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे भर देनी है, ठीक है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी, मैं ऐसे एक ट्रायल करके आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, तो आपने ट्रायल करने के बाद जैसे हमने एक नंबर डाल दिया, ठीक है, नंबर डालने के बाद कैटेगरी, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपने वो डाल देने हैं, लिंग मेल है या फीमेल है या अदर है वो आपने डाल देना है, जो आपका इंडिया का एड्रेस है वो आपने डाल देना है यहाँ पे, ठीक है, दिल्ली चंडीगढ़ जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वो डाल देना है, जो भी आपका पिन कोड होगा वो आपने डाल देना है सारा का सारा, जो भी आपकी ईमेल आईडी है, जैसे मैंने डाल देता हूँ ट्रेवलर बर्ड KD@gmail.com,
com, ठीक है, अपनी आईडी डाल देनी है। आपका जो जिस यूनिवर्सिटी कॉलेज से आप पढ़े हैं, अगर यूनिवर्सिटी कैंपस से पढ़े तो वहाँ का डालना, अगर कॉलेज से आप पढ़े हुए हैं तो आपने कॉलेज का यहाँ पे ये आपके डिग्री के ऊपर मेंशन होगा, तो यहाँ पे अपना ये वाला मेंशन कर देना है। आपने कौन सा कोर्स किया हुआ है, अपने कोर्स के बारे में बताना है, आपकी कौन सी डिवीज़न है, या पास विद फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड, थर्ड, जो भी है आपने अपना यहाँ लिख देना है। नेम ऑफ द एग्ज़ाम विच पास, जो आपने परीक्षा का नाम जो उत्तीर्ण किया है, मैंने कहा मैंने BA उत्तीर्ण की है, ठीक है। कब आपने किया था, मैंने 2000 इसको 10 में किया, लेट सपोज करो, ठीक है। आपका नंबर क्या था, आपने अपना रोल नंबर डाल देना है, एक एनरोलमेंट नंबर होता है आपने कर डाल देना है, ठीक है, अपने एनरोलमेंट नंबर डाल देना है, ठीक है। आपने रेगुलर किया प्राइवेट वो आपने बताना है, ठीक है। आपको कितने नंबर ऑफ ट्रांसक्रिप्ट की कॉपी चाहिए आपने ये बताना है, ठीक है। अब आप अपने ट्रांसक्रिप्ट को देखो, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जो लोग बाहर के लिए अप्लाई कर रहे हैं ट्रांसक्रिप्ट को, तो वो बाहर के लिए अब्रॉड को सिलेक्ट करेंगे, जिन लोगों को हायर स्टडी के लिए इंडिया में ही ट्रांसक्रिप्ट चाहिए तो वो इंडिया सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि हमें अब बाहर ही भेजना है, ठीक है। यू वॉन्ट अ डिग्री कॉपी सेंट अलॉन्ग विद योर ट्रांसक्रिप्ट, मैं कहूँगा येस। देखिए बहुत सारे केसों में क्या होता है कि यूनिवर्सिटी कंसोलिडेटेड ट्रांसक्रिप्ट को रेडी करती है, तो बट उस केस में हमें क्या होता है, वैसे कई बार डिग्री की सर्टिफिकेट भी मांग लेता है, तो आप उसको जरूर भेजें साथ में। आपने कहा कि कहाँ भेजना है, मैंने कहा IKS अल्बर्टा के एड्रेस पे मेरे को यहाँ पे भेजना है, ये पूरा एड्रेस होगा आपको रिक्वेस्ट फॉर्म पे भी मिल जाएगा, ठीक है। आपने अपनी जो डिग्री की एक सारी की, मैं इसको थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि क्या होने वाला है। प्लीज़ अटैच ए स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट इन PDF फॉर्मेट, जिसका साइज इतना होना चाहिए, 50 to 300 KB, और डू नॉट अटैच इंटरनेट मार्कशीट और फोटो कॉपी, ठीक है। तो अब आपने कौन सी अटैच ए कॉपी ऑफ ओरिजिनल मार्कशीट, ठीक है, ओनली उसको फोटो ओरिजिनल की अपने को करके, ओरिजिनल वाली को ही फोटो कॉपी करके आपको इसको लगाना है। इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर मोर देन वन सेमेस्टर ईयर ट्रांसक्रिप्ट, देन स्कैन ऑल द सेमेस्टर, जैसे BEd के केस में कई बार 1 ईयर की BEd होती है, बट अगर BA में कई बार सेमेस्टर की 6 कॉपी है, एक डिग्री है, तो आपको सारों को ही कंबाइन करके एक PDF फॉर्म में बना लेना है, और उसका जो साइज आपको बताया गया वो ये जो साइज होगा आपने बना लेना है, ठीक है। आपने क्या करना है, उन सबको कंबाइंड करके एक ही PDF बना के आपने इसको अटैच कर देना है। जो भी इनका कैप्चा है वो आपने एंटर कर देना है, सारी डिटेल को एक बार फिर आपने चेक कर लेना है, मैं ये ट्रायल के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। जो भी आपकी डिटेल है एज पर डॉक्यूमेंट होगी वो आपको फिल करनी है, उसके बाद मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है, कि जो हमने डाला है वो हमारे द्वारा ठीक है। जब आप डालोगे हम यहाँ पे कर देते हैं सबमिट। देखिए जैसे ही आप सबमिट करते हैं, तो आप सबमिट करने के बाद रिसिप्ट ऑफर ट्रांसक्रिप्ट आपके पास आ जाती है, जैसे कि आपने जो भी ट्रांजेक्शन आईडी अभी नहीं है क्योंकि हमारी पेमेंट नहीं हुई है, तो बाकी आप सारी चीज़ें यहाँ से चेक कर सकते हैं, जो जो हमने यहाँ पे फिल किया है, ठीक है। यहाँ वेस्ट या दूसरी एजेंसी का पूरा एड्रेस आएगा जो आप लेना चाहते हैं, जो अपने आपने यहाँ पे डॉक्यूमेंट, अपने जितने भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं आप यहाँ पे एक बार रीचेक कर सकते हैं। रीचेक करने के बाद आप सारा कुछ अगर आपने ठीक है तो आप इस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं। प्रिंट करने के बाद आप प्रोसीड फॉर पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप प्रोसीड फॉर पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट गेटवे हैं जिसके थ्रू आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, पे गवर्नमेंट इंडिया के थ्रू कर सकते हैं, पेटीएम पे कर सकते हैं, SBI पे कर सकते हैं। तो जिस भी पाथवे से आपको क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, IMP, UPI वॉलेट से करना है, तो उन सारे पेटीएम के वॉलेट से तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपके पास खाते से राशि कट गई है और रसीद प्राप्त नहीं हुई है, तो वह ट्रांजेक्शन फेल माना जाएगा और वह राशि आपको वापस कर दिया जाता है। आवेदन नया फॉर्म न भरे का तो का दोबारा भुगतान ना करें, ठीक है। तो अगर ये कम किस्त में आता है, अगर आपके पैसे कट गया और नहीं आ रहा है, तो आप उस केस में भी ये आपको बता रहे हैं। तो होप सो इस तरीके से करके आप स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए अपने ट्रांसक्रिप्ट के लिए रिक्वेस्ट यूनिवर्सिटी में सबमिट कर दोगे, और इस तरह जहाँ पे भी आप अपना एड्रेस दोगे तो यूनिवर्सिटी आपके डॉक्यूमेंट को वहाँ पे भेज देगी। तो होप सो, बट ये चीज़ें आपको केयरफुली करनी है ताकि आपकी कोई भी गलती मिस्टेक ना हो जिसकी वजह से आपका फॉर्म लेट हो जाए या ऐसा कुछ हो, ठीक है। तो होप सो ये ब्लॉग आज आपको अच्छा लगा होगा, तो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड कॉमेंट करना, और मैं नया ब्लॉग भी बना दूंगा कि एक नई नोटिफिकेशन कैसी आई है वैसे के लिए। तो होप सो ये आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ इसके लिए लाइक, शेयर एंड कमेंट करना, ताकि ऐसे ऐसे वीडियो आप और देखते रहें हमारे चैनल पे। जैसा कि मैंने आपको चैनल पे बताया था कि हमारे चैनल पे और भी बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो आप वहाँ से जाके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू।